दिल्ली एनसीआर की हवा अभी भी जहरीली बनी है। राष्ट्रीय राजधानी के पॉश इलाके लोधी कॉलोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड कर चुका है। हालांकि बीते दिनों की अगर आप बात करेंगे उनके मुकाबले हवा में सुधार जरूर है। एक दौर में वायु प्रदूषण का स्तर 1000 के भी ऊपर चला गया था। अब धीरे धीरे हालांकि स्तर कम हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर लगातार हालात बदतर होने लगे हैं। AQI के मुताबिक हवा की गति और घटेगी, जिससे प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचेगा। वहीं दिल्ली के लोधी रोड इलाके में PM 2.5 का स्तर 210 तो PM 10 का स्तर 204 रहा। जहरीली बनी हुई है दिल्ली की हवा। AQI 200 के पार पहुंचा। कैसे कम होगा दिल्ली का प्रदूषण? बेहद खराब श्रेणी में जा सकता है वायु प्रदूषण। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में AQI 210 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले दिल्ली NCR की हवा में सुधार हुआ है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण में सुधार के लिए ऑड इवन स्कीम भी लागू किया था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फायदा नजर नहीं आया। देखिए, ज्यादा कम तो कह नहीं सकते, ये तो कभी ज्यादा हो जाता कभी कम हो जाता, पर पिछले कई सालों से मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ कि ये पिछले कई सालों से स्टेबल है। तो इसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट ठीक हो और किसी को प्रॉब्लम ना हो। पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाके में हर साल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है। इस साल भी दिल्ली NCR कई दिनों से गैस चैम्बर बनी रही और दमघोटू हवा से लोगों को दो चार होना पड़ा है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों को पराली से निपटाने के लिए सरकार मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या को हल किया जा सके। फिलहाल देखना होगा कि कब समस्या का समाधान होता है और लोगों को सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।